बीरबल जी, विराट, क्या बात है? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं, कोई समस्या? हमारी समस्या खुद हमसे पूछ रही है कि क्या कोई समस्या है। वैसे विराट, थोड़ी चिंता तो है। आज आगरा से दिल्ली सोना आ रहा है, बस सोना सही सलामत पहुंचा और उसकी चोरी ना हो। अरे हमारे होते हुए आपका सोना और कौन चुरा सकता है? विराट, पिछली बार जिस रास्ते से ये सोना आ रहा था, उस रास्ते पर इस सोने की चोरी हुई थी। चोरी की तहकीकात किसी और को सौंपी गई और आज तक वो चोर पकड़ा नहीं गया। बस इस बार ऐसा कुछ ना हो। सोना काली घाटी के रास्ते से आता है। काली घाटी कहते हैं, उस रास्ते पे तो किसी चोर की आत्मा भटकती रहती है, जो आने जाने वालों को लूटती रहती है, जैसे पिछली बार हुआ था। खैर विराट, हम आत्मा वात्मा को नहीं मानते। हकीकत यह है कि सोने की चोरी हुई थी, इसलिए इस बार उस सोने की हिफाजत करने के लिए हमने शाही सोना प्रमुख चांदी राम को जिम्मेदारी सौंपी है और उनसे कहा है कि ज्यादा सावधानी बरते। सोना आता ही होगा, चलिए देखते हैं। इधर रखो, संभाल के रखना एकदम आराम से। आराम से भाई, शाही सोना है। संभाल के रखो। सब सही सलामत है चांदी राम जी? देख लीजिए राजा बिरबल, देख लीजिए। इस बार राजा बिरबल, हमने बड़ी सावधानी बरती है। और वैसे भी चांदी राम के होते हुए किसी की मजाल है जो शायद सोने पे नजर भी डाल सके? ये लीजिए। सोना गायब। अरे देखो ना, मुंह क्या देख रहे हो? कहाँ है सोना? सोना तो इसमें ही था। वही तो, नाक मिट्टी में मिल जाएगी। लोगों को पता चलेगा कि शायद सोने के प्रमुख चांदी राम के नाक के नीचे से सोना चोरी हो गया। लोग थूकेंगे हम पे। विराट, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब छापना को हम क्या जवाब दें? हमें जल्द से जल्द सोने के चोर को पकड़ना होगा और सोना वापस हासिल करना होगा। बीरबल जी, इस मामले की तहकीकात को हमें करने दीजिए। इस चोर को हम अपने तरीके से पकड़ेंगे। विराट, तुम्हारे तरीके कभी कभी हमारी समझ में नहीं आते। बीरबल जी, जब तक हमारे तरीकों का नतीजा सही निकलता है, आपको इन तरीकों को समझने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है विराट, तुम अपने तरीके से काम करो, लेकिन इस सोने की चोरी का राज राज ही रहे। घबराइए मत बीरबल जी, चोरों से ज्यादा राज रखने की क्षमता किसी और में नहीं होती। इस तहकीकात को करने के लिए सबसे पहले हमें वो काली घाटी के रास्ते को देखना होगा। तो आप काली घाटी जाएंगे? नहीं, हम यहीं रहकर वो रास्ता देखेंगे। यहां से कैसे? जी हाँ, और वो भी इन सब की आंखों से। तो चांदी राम जी, जरा खुल के बताइए, अपनी राह की हर गली, हर मोड़, हर पत्थर के बारे में बताइए। बताइए कि रास्ते में आप कहां कहां रुके थे? हाँ, वो हम सारा रास्ता चौकन्ना होके चल रहे थे। फिर समर सेन के ढाबे पे खाने के लिए रुके, जहां हमेशा रुकते है ना भाइयों।
चलिए भोजन कर लेंगे, ध्यान रखते हुए हर चीज के ऊपर। कैसे समर सेन जी? नमस्कार। फिर हम आगे बढ़ने लगे, आगे थोड़े बड़े ही थे कि बग्गी का पहिया खराब हो गया। लेकिन शुक्र मनाइए कि वही एक लोहार था। चलते रहो, पूरी तरह चौकन्ना होके चलो, आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह नजर रखो। अरे क्या हो गया? हुआ क्या? देखो तो सही। बाप रे, चक्के का पेच टूट गया। अरे क्या हो गया भाई? आप कौन है? अरे हम लोहार हैं भाई, हथौड़ा मारकर। अच्छा अच्छा, देखो भाई ये चक्के का पेच टूट गया, देखो। अरे अरे कोई बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं है, हम अभी ठीक किए देते हैं। हथौड़ा मारकर ले आओ भैया, बग्गी इधर आ जाओ, आ जाओ, जाना है आगे आगे आगे। चलो चलो, अरे थोड़ा आगे, यही ये यहाँ पर रोकना भैया। हाँ अरे बस बस बस, हम अभी ठीक किए देते हथौड़ा मारकर। जल्दी 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 करो। हमने बराबर उसकी कुटिया के सामने ही बग्गी रोकी, फिर वो लोहार आया और हमारी आंखों के सामने वो पहिया अंदर लेके गया, अंदर जाके बनाया और हमारी आंखों के सामने ही वो बग्गी के अंदर वो पहिया लगाया और फिर हम महल की तरफ वापस रवाना हो गए, है ना? तो इसका मतलब आप लोग रास्ते में दो ही बार रुके? दो जगह नहीं हुजूर, तीन जगह पर। अब बग्गी का पहिया ठीक करवाने के ठीक एक पहर बाद हम सब लोग सफर करके काफी थक चुके थे, इसलिए थोड़ा जलपान और लघु शंका करने के लिए एक शौचालय के यहाँ रुक गए थे। कमाल करते हो तुम लोग, करोड़ों का सोना लेकर जा रहे थे या अपनी अपनी बारात? ठीक से खड़े रहना और बताओ आगे क्या हुआ। यकीन मानिए हुजूर, हम लोग हर वक्त बग्गी और सोने की रखवाली कर रहे थे। हाँ, इसका मतलब बग्गी सिर्फ तीन जगह पर रुकी थी बराबर। बग्गी वाला कहाँ है? जी मैं पिछले 10 सालों से शाही बग्गी चला रहा हूं, मैंने हमेशा वफादारी की है, मैंने कुछ नहीं किया सरकार बग्गी चला के। नहीं नहीं, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, इन्होंने ढाबे पे खाना नहीं खाया, जलपान नहीं किया, और जब पहिया खराब हो गया था तो इन्होंने आराम भी नहीं किया, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि बग्गी अब सिर्फ तीन बार तीन जगह पर रुकी थी बराबर। नहीं हुजूर, तीन नहीं चार जगह रुकी थी। अब चौथी बार कहां रुकी थी ये बताओ। जब मैं घोड़े को पानी पिलाने ले गया था थोड़े समय के लिए, भला घोड़ा कितना समय पानी पीता है? कहावत नहीं सुनी क्या, घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हो लेकिन घोड़ा पानी तो अपनी मर्जी से ही पिएगा। इसका मतलब बग्गी चार जगह रुकी, ढाबे वाले के पास जलपान के लिए, झील के किनारे पानी पीने के लिए और लोहार के पास। पर ताज्जुब की बात यह है कि कोई भी बग्गी के अंदर नहीं गया, तो फिर यह चोरी हुई कैसे? विराट, क्या लगता है आपको? हो ना हो, चोरी जो है इन चारों में से किसी एक जगह पर हुई है, क्योंकि चलती बग्गी में से सोना चोरी होना यह नामुमकिन। चोरी तभी हुई जब बग्गी रुकी हुई थी, और मेरे शक के दायरे में है चांदीराम, क्योंकि हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के पास। मैं चांदीराम को जानता हूं, वो बहुत ईमानदार है। मेरा शक लोहा सिंह पर है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि अगर उसने चोरी की तो की कैसे? वैसे ढाबे वाला समर सिंह भी हो सकता है, क्योंकि बग्घी हमेशा उसके ढाबे पर ही रुकती थी, और बग्गी वाला भी हो सकता है,
आखिर बग्गी की डोर तो उसके ही पास थी। और बीरबल जी देखिए, घोड़े को पानी ही पिलाना था तो शरबत वाले के पास पिलाता, ढाबे में पिलाता, लेकिन सुनसान झील तक जाने की क्या जरूरत थी? हमें नहीं लगता कि ये किसी एक इंसान का काम है, ये कुछ लोगों की मिली भगत है, क्योंकि एक इंसान के लिए ऐसी चोरी करना मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। बीरबल जी, शातिर चोरों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो चोरी हुई ये बहुत सोच समझ के की गई, बहुत ही चालाक तरीके से, जिसकी तैयारी जो है बहुत पहले ही हो चुकी थी। तो हमारे शक के दायरे में चार लोग हैं और चोरी इन्हीं चार में से किसी ने की है। अगर किसी पांचवे ने चोरी की होती तो हम शायद उसे पकड़ भी नहीं पाते। पांचवा? पांचवा कौन है? वही काली घाटी का भूत जो चोरियां करता रहता। विराट, ये कोई मजाक करने का वक्त नहीं है, और वो भी बीरबल जी के सामने। हाँ तो महमूद मियां, मैं ये कह रहा था आपसे कि आप शाही खाते में से जो है चांदी राम के बारे में पता लगाइए, मुझे उसका पूरा इतिहास जानना। और हाँ अब्बास, तुम बग्गी वाले और ढाबे वाले के बारे में पता करो, और ये भी पता लगाओ कि दिल्ली के बाहर किसी चोर बाजार में कोई सोने की बिक्री हुई है कि नहीं। इतना सारा सोना चोरी हुआ है, कहीं तो गया होगा। बीरबल जी, मैं चांदी राम के घर की तलाशी लेना चाहता हूं। नहीं विराट, तुम ऐसा नहीं कर सकते। चांदी राम एक शाही मुलाजिम है। महमूद भैया, विराट को अपने तरीके से तहकीकात करने दीजिए। और विराट, एक बात याद रखना, इस दुनिया में कोई भी चीज इत्तेफाकन कभी नहीं होती। जी। जहां सबसे कम उम्मीद हो वहीं से तहकीकात शुरू करना। मैं आपका इशारा बीरबल जी बिल्कुल समझ गया। पहिए का टूटना, वो भी लोहार की दुकान के बिल्कुल सामने। आपने बिल्कुल सही कहा बीरबल जी, हमारे काम में किसी भी इत्तफाक पर भरोसा नहीं किया जा सकता। विराट, कितनी धूल है सड़क पर, तुम खाओ खा में भाई साहब। मैं पूछता हूँ, इतनी बदबू, गंदगी, धूल मिट्टी। आपका नाम लोहा सिंह है? जी हुजूर। आपकी स्कूटिया पर कोई शाही बग्गी आई थी जिसका पहिया खराब हो गया और आपने ठीक किया? हुजूर, अब लोहार की दुकान पर लोग लोहे की चीजें ठीक करवाने नहीं आएंगे तो क्या सिलाई करवाने आएंगे कपड़ों पर हथौड़ा मार कर? तुम हमें हथौड़ा मारोगे? नहीं सरकार, हम तो बस यूं ही बोलते हैं, आदत है हथौड़ा मारकर। माफ कीजिए हुजूर, यहाँ तो बहुत सारी बग्घियाँ, हाथ गाड़ियाँ और बैल गाड़ियाँ आती रहती हैं। आप अब हमें ठीक से याद नहीं आ रहा, आप किसकी बात कर रहे थे? हाँ याद आया, हथौड़ा मारकर। एक बग्घी आई थी, उसके साथ शाही सिपाही भी आए थे। हाँ, उस बग्गी का पहिया हमने ठीक किया था हथौड़ा मारकर। वैसे उसके पहिए को क्या हुआ था? हुजूर, उसके पहिए का पेच टूट गया था। अब पेच क्यों नहीं टूटेगा हुजूर, सड़कों पर इतने गड्ढे जो हैं हथौड़ा मारकर। लेकिन हुजूर, हमने उस बग्गी को फौरन बना दिया, हमारे पास पेच तैयार था ना। थोड़े समय के बाद वो बग्गी फिर से भागने लगी हथौड़ा मारकर। लेकिन हुजूर, ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं हथौड़ा मारकर? अच्छा ये बताइए कि अधिकतर इस रास्ते पर कितनी गाड़ियां आती जाती रहती हैं? जी दो चार से ज्यादा नहीं। अरे शुक्र मनाओ कि हमारी दुकान बगल में थी, वरना उन सिपाहियों को 3 कोस दूर जाना पड़ता गांव में पहिया बनवाने के लिए हथौड़ा मारकर। ठीक है, आप जा सकते हैं।
जी हुजूर। विराट, हमें नहीं लगता कि इस लोहा सिंह का उस सोने की चोरी में कोई हाथ है। बेचारा हथौड़ा मारने से ऊपर नहीं उठा अब तक। तुम्हें क्या लगता है? जो इसने कहा मैं उस बारे में सोच रहा था। अब किसी भी लोहार को अपनी भट्टी गर्म करने के लिए वक्त लगता है और उसके मुताबिक जो है इस रास्ते पर दो या चार से ज्यादा गाड़ियां आती जाती नहीं है। और इसकी भट्टी पहले से गर्म थी, पेच भी पहले से तैयार था। मानो जैसे कि इसे पहले से पता था कि बग्गी के पहिए का पेच खराब होने वाला। ये बात मेरे समझ में आई। अच्छा वैसे वो अब्बास ढाबे वाले से मिलने गया ना? हाँ, वो जैसे तुमने बताया था वैसे ही बस। भैया भैया, कल सुबह हम कांच की चूड़ियां खरीदने जाएंगे। बहन, बचपन में हमने तुम्हारा नाम सोना रखा था और आज तू अपनी कलाइयों को कांच की चूड़ियों से सजा रही है। चिंता मत करना बहन, बहुत जल्द ही तेरा ये भाई तुझे सोने के कंगन ला कर देगा। सोने के हार, सोने के बाजूबंद, मेरी सोना के लिए सब कुछ सोना का होगा। शुक्रिया भैया, आप कितने अच्छे हैं। अब हम चलते हैं। ठीक है बहन, जा। सुनिए, बहुत बड़े व्यापारी हैं, काले बाजार में नाम है हमारा। मैंने सुना है आपके पास सोना है। हाँ है। तो बेचना चाहोगे? मुंह मांगा दाम देंगे आप। ओए पागल, कैसी बात कर रहा है तू? इसमें पागल बन गया सा? आपकी भले की बात कर रहे हैं, घर पे सोना रख के क्या करोगे? पता नहीं आजकल लोगों की नियत और नजर दोनों खराब है। हाँ, तुझ जैसे बुरी नजर वाले से बचा कर रखा होता उसे अब तक। देखो उससे सौदा कर लो, उसका फायदे में रहोगे। तमीज, मेरी सोना का सौदा करना चाहता है? सोना मेरी बहन है। कमीने, तेरे पास बहन नहीं है क्या? अरे अरे रुकिए, लड़ाई क्यों कर रहे हैं? लड़ाई मत करिए, आपको गलतफहमी हुई है। मैं आपकी बहन सोना की बात नहीं कर रहा, मैं चोरी के सोने की बात कर रहा हूँ। अगर आपको चोरी का सोना बेचना है तो बात करो, नहीं तो व्यापार में बहुत लोग हैं चोरी का सोना बेचने वाले। और ये देखो, सोने का हार खरीद के लाया हूँ मैं, बेचना है सोना तो बताओ। ओए, हम सोना नहीं चुराते, ढाबा चलाते हैं। और अपनी ये दुकान लेकर कहीं और चला जा, दोबारा यहाँ मत दिखना और मार मार के भूत बना दूंगा। अरे जा, ताकि नहीं। हाँ, क्या विराट भाई, अच्छा वाला चोरी का पेशा छुड़वाकर कहाँ शरीफों में फंसा दिया। चार दिन की शराफत झेलने पर सोचो शरीफ लोग अपने आप को सारी जिंदगी कैसे झेलते होंगे। हो, बीरबल जी, चांदी राम के सरकारी कागजात तो हमारे टकले से भी ज्यादा साफ है। कोई जुर्म, कोई इल्जाम, कुछ भी नहीं मिला। और समर सेन के बारे में क्या? समर सेन को सोना बहुत पसंद है। सोना? अरे सोना उसकी बहन का नाम है और उसके पास कोई नहीं है चोरी का सोना। क्योंकि अगर उसके पास चोरी का सोना होता तो मुझसे जरूर सौदा करता। हम भी हरिलाल से पूछताछ करके आ रहे हैं नदी किनारे। वो घोड़े वाला तो गाय से भी सीधा निकला। दरअसल वो अपने घोड़े से बहुत प्यार करता और अक्सर एकांत में जो है वो नदी किनारे ले जाकर उसे मीठा पानी पिलाता। मुझे नहीं लगता कि इस स्टोरी में उसका कोई हाथ। इसका मतलब हरिलाल पर शक करने का कोई फायदा नहीं ना। सोने के बारे में कुछ पता चला? हमें पता लगवा है कि चोरी का सोना दिल्ली के बाहर चोर बाजार या किसी काले बाजार तक भी नहीं पहुंचा। हाँ ये भी पता चला है वो तो कद्दू जैसे मुंह वाला समर सेन न जाने क्यों चोर बाजार से नकली सोने के जेवर खरीदता रहता है। वो तो कद्दू जैसे मुंह वाला समर सेन न जाने क्यों चोर बाजार से नकली सोने के जेवर खरीदता रहता है। नकली जेवर? जिस इंसान पर इतनी बड़ी चोरी का शक हो वो नकली सोने के जेवर क्यों खरीदेगा? तार में जरूर कुछ काला है। उस पर नजर रखनी पड़ेगी। महमूद भैया,
आप उस पर नजर रखिए। बीरबल जी, वो चांदी राम के घर की तलाशी लेनी थी, तो उसके लिए दस्तावेज तैयार हो गए क्या? दस्तावेज हम अपने साथ लाए। लोहा सिंह के बारे में कुछ पता चला? बीरबल जी, वो बहुत ही मूर्ख इंसान है और निहायत ही गंदा, मतलब सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता, सब जगह से बदबू आती है। मूर्ख तो है ही, पर मूर्ख बनकर मलाई खाने वाला मूर्ख। वैसे हम लोहा सिंह पर भी नजर रख रहे हैं। एक और बात विराट, मैंने पता लगवाया है लोहा सिंह के सर पे बहुत कर्ज है और ज्यादातर कर्ज उसने उस समर सेन से लिया है। और उसके लिए उसके पीछे पड़ा रहता है। यानी लोहा सिंह और समर सेन पहले से एक दूसरे को जानते हैं? हाँ। ये मामला तो दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है। खैर, हम चांदी की चमक देखकर आते हैं तब तक। है? हाँ, मतलब चांदी राम के घर की तलाशी लेकर आते हैं। अरे अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे? अरे अरे लेकिन हो क्या रहा है? अरे वहां सब तलाशी क्या हो? क्यों हो रहा है? अरे किसके कहने पे हो रहा है? तलाशी हो रही है, चोरी जो हुई है ना। हमारे घर में कोई चोरी नहीं हुई है। जाके चोर के घर में तलाशी लो ना। यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे वो संभालो। लो महमूद मियां, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। विराट, ये अच्छा नहीं कर रहे आप। अरे चोर को तो पकड़ नहीं सके, शरीफ आदमी को परेशान कर रहे आप। क्यों हमारी चांदी जैसी इज्जत पे कालक पोत रहे? चांदी राम जी, बस थोड़ी देर और, थोड़ी देर। अरे क्या पूरा घर खाली करोगे? देखो मिला क्या? कुछ मिला? कहीं पर कुछ भी मिला? विराट, हमने चादर से लेके पर्दों तक, अलमारी से लेके बिस्तर तक और बावर्ची खाने से लेके गुसल खाने तक सब जगह ढूंढ लिया, कहीं भी सोना नहीं मिला। अच्छा तो हम चलते हैं। लोहा सिंह, तुमने बहुत सारे लोगों से कर्जा लिया है और तुम्हारे सर पर सबसे ज्यादा समर सेन का कर्जा है। इतने ज्यादा कर्जे की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? हुजूर, ये सब आपको समर सेन ने बताया? गरीब आदमी की क्या जरूरत होगी दो वक्त की रोटी? अरे गांव में जमीन गिरवी पड़ी थी, उसे छुड़वाना था। छोटी बहन की शादी करवानी थी, माँ का इलाज करवाना था। बस कर पगले, अब क्या रुलाएगा? हुजूर, इन चोरी के पैसों की जरूरत उस समर सेन को होगी। हर पूर्णिमा की रात को उस नृत्यकी चांदी की महफिल में जाकर दौलत लुटाता है हुजूर। और हुजूर, मैंने सुना है कि उसका चक्कर चांदनी के साथ चल रहा है। थोड़ा मार कर। वैसे चोरों को ढूंढना इतना बुरा काम भी नहीं है, इसके भी अपने ही मजे हैं। अब्बास, कायदे में रहो, नहीं तो मूछ निकल जाएगी। अच्छा चलो, अभी निकलो यहाँ से। है? है? काम करने आए हो या नाच देखने आए हो? थोड़ा नाच भी देख लेंगे। बिल्कुल, और क्या। निकलो, नाच का मजा सिर्फ हम उठाएंगे। अब्बास सुना नहीं, निकलो। ये अच्छी बात नहीं है। अब्बास चलो, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। आदाब, आदाब। आप यहाँ नए लगते हैं, पहले कभी नहीं देखा हमने आपको यहाँ। क्यों, आप यहाँ के चौकीदार हैं जो हर आने जाने वाले पर नजर रखते हैं?
बेटा। ए चांदनी, तुझ पे सारा जहां कुर्बान हो जाए, ऐसी नजाकत पर तो चांद भी शर्मा जाए। महमूद मियां कहां जा रहे हैं? और चांदनी का कमरा, लेकिन उसके मुस्टंडे हमारी खाल खींच लेंगे। चलो भाई, भोजन का समय हो गया, करके आते हैं। लगता है इनका खाने खाने का वक्त हो गया। चलिए, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मियां, हम तो आपकी शायरी के घायल हो गए। और हम आपकी अदाओं से घायल हो गए। चांदनी, तुम्हारे असली आशिक हम हैं। महमूद मियां, तुम दोनों और यहां पे क्या कर रहे हो? मालकिन, मालकिन, चोर गुस्सा है, हमने उसे पकड़ लिया है, अब जल्दी चलिए। जेवर, जाओ कोतवाल साहब को बुला कर लाओ। हेरो, हम यही हैं। कोतवाल साहब, ये नकली दाढ़ी और मूछ का क्या मतलब? पहले ये बताइए, इन नकली जेवर का क्या मतलब है? नकली? कोतवाल साहब, आपको धोखा हुआ है। ये हमारे असली प्यार की असली निशानी है। क्यों समझ लीजिए? असली आशिक के मुंह पे तो ताला लग चुका है। चांदनी जी, मैं विराट, और हम यहाँ पर बहुत बड़ी चोरी की तहकीकात करने आए हैं। चोरी की? चोरी से हमारा क्या वास्ता? आपका नहीं, हमें शक इन पर था। अगर ये नकली जेवर देख के एक गरीब ढाबे वाला मूली के पराठे बेच बेच कर और कितने पैसे जोड़ सकता है? लेकिन मेरा प्यार असली है चांदनी। इसका मतलब चोरी की आवाज सुना यहाँ पर भी नहीं। अच्छा, तो इसलिए ये सोने का व्यापारी मेरी सोना के पीछे पड़ा हुआ था, और अब आप लोग मेरी चांदी को परेशान करने के लिए यहाँ आ गए। विराट, चोर को पकड़ना है तो चोर के पीछे जाओ, तुम शरीफों को क्यों परेशान करते हो? वाह समरसेन, वाह! नकली जेवर लाए तुम, महफिल में आते हो तुम, और शरीफ भी तुम। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह! शराफत की बात आप ना ही करें तो बेहतर होगा समीर जी। और हाँ, असली आशिक के ये नकली जेवर, आपको मुबारक। इसका मतलब समर सेन भी नहीं। हम घूम फिर कर वहीं पहुंच गए जहां से हमने शुरुआत की थी। एक बार सोना मिल जाए तो चोर भी पकड़ा जाएगा, मगर ये सोना मिलेगा कैसे? विराट, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो अक्सर दिखता नहीं। चोर को पकड़ने के लिए हमारे पास एक योजना है। शेर का शिकार करने के लिए बकरी को बांधा जाता है। हम कुछ समझे नहीं हुजूर। चांदीराम। राजा बिरबल की जय हो। चांदीराम, हमने ही आपको बुलवाया था। कल फिर
सोना आगरा से दिल्ली आ रहा है और इस बार फिर सोने की हिफाजत आप करेंगे। बस इतना ध्यान रहे कि इस बार सोना चोरी ना होने पाए। ओ, तो चोर को पकड़ने के लिए सोने की बकरी। वाह बिरबल जी, क्या कहने हैं आपके। वाह, इस बार गलती नहीं होगी राजा बिरबल, मैं अपनी जान पे खेल जाऊंगा। आप धन्य है राजा बिरबल, जो इज्जत मेरी खो गई थी वो मेरी फिर से लौट आएगी। अब जाइए और तैयारी कीजिए। महमूद मियां और विराट इस बार चांदी राम अकेले नहीं होंगे, सिपाही बनकर आप भी इनके साथ होंगे, क्योंकि इस चोर को अकेले पकड़ना चांदी राम के बस की बात नहीं। लेकिन ख्याल रहे कि किसी को पता ना चले कि आप लोग हैं, इसलिए आप लोग भेष बदल कर जाएंगे। ध्यान देके संभाल के चलते रहो भाई, चलते रहो, संभाल के चलते रहो। क्या हुआ? अरे किसे पकड़ रहा है? सुरक्षा के लिए बग्गी चला के। हमें कोई पकड़ के नहीं लाया, हम शाही सिपाही हैं। कोई खाना वाना मिलेगा कि नहीं? बहुत भूख लगी है। अरे हम क्या सोने की हिफाजत करने आए हैं या किसी की बारात पर आए? खाना निकल है भाई, कुछ दो, इन्हें भी दो। संभाल के चलो, चौकन्ना होके चलो, दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह नजर रखो। अरे क्या हो गया हरिलाल, इसे यहाँ क्यों रुकी है गाड़ी? अरे बाप रे, वही चक्के का पहिया। क्या हो गया भाई, पहिया फिर से खराब हो गया हथौड़ा मार के? अजीब बात है, इसी हफ्ते तीसरी बार इसी जगह पे पहिया खराब हो जाता है बुग्गी चला के। तीसरी बार? इसका मतलब पहली बार जब चोरी हुई थी तभी पहिया खराब हुआ था, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। हाँ लेकिन विराट, इस बार पहिए का पैच हमने खुद कसा था, ये ढीला कैसे हो गया? अरे हमने जानबूझ के किया है ताकि सब कुछ वैसा हो जैसे पिछली बार हुआ था। खराब हो गया, चलो अभी क्या करना है? पूछ रहे हो, लेके चलो वापस अपनी जगह पे। लेके आओ, चलो चलो, ये यहाँ लाओ। हाँ मालूम। और आगे, और आगे, और आगे, बस आगे थोड़ा और, आओगे थोड़ा 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 और, बड़ा बड़ा, बस 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 बस। हम अभी ठीक किए देते हैं हथौड़ा मार के। अब क्या हुआ? आप लोगों ने तरबत दरबत पानी वानी पी लिया क्या? घोड़ों को प्यास नहीं लगती बग्घी चला के? तुम्हें क्या लगता है, सोना है या चोरी हो गया? लेकिन ये सोना कोई निकालेगा कैसे? ये तो महल पहुंच कर ही पता चलेगा। संभाल के लाओ भाई, बहुत संभाल के लाओ, एकदम। हाँ यही रख दो, रख दो, संभाल। बिरबल जी ये देखिए, हमने आपकी अमानत लेके आ गई, अब देख लीजिए सब बराबर है क्या नहीं, देख लीजिए। कमाल है, इस बार सोना चोरी नहीं हुआ।
बिरबल जी, आप तो इस तरह से चौंक रहे जैसे आप चाहते थे कि सोना चोरी हो जाए। हम तो इतनी हिफाजत से लाए सोना। चांदी राम जी, हमें आपकी कद्र है, लेकिन इस सोने की नहीं, क्योंकि ये सोना नकली है। सोना नकली था? अरे अगर बीरबल जी हमसे नकली सोने की हिफाजत करवाई तो कुछ सोच समझ के करवाया होगा ना। लेकिन ऐसा क्यों करवाया बीरबल जी? चांदी राम जी, आपने जो कुछ भी किया उसके लिए शुक्रिया। आप जा सकते हैं। हरिलाल जी, आप भी जा सकते हैं। जी। जो आ गया बिल्कुल जी। विराट, महमूद मियां, हमने नकली सोना इसलिए रखवाया था क्योंकि हम चोर के लिए जाल बिछाना चाहते, लेकिन चोर शातिर निकला। जब हमें नहीं पता चला कि इसके अंदर नकली सोना है, उस चोर को कैसे पता चल गया? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, सुराग कोई नहीं मिल रहा। विराट, हमने चांदी राम के साथ आपको सोने की हिफाजत करने के लिए ऐसे नहीं भेजा। इसके पीछे हमारा मकसद था। हम चाहते थे कि आप सारे वाकये को एक बार फिर नए पहलू से देखें। विराट, हम जानते हैं कि आप किसी भी चीज को देखकर उसे हूबहू याद कर सकते हैं, ये आपकी खासियत है। तो याद कीजिए विराट, कोई ऐसी विचित्र घटना जो आपने देखी हो और भूल गए हो, याद कीजिए, लेकिन इस बार मन की आंखों से। हाँ, मैं देखता हूं और सोचता हूं। महमूद मियां, कभी आपने हरे रंग का संतरा खाया क्या? हरे रंग का संतरा? अब बीरबल जी, लगता है इसकी तबीयत खराब हो गई, हम जरा ऐसे हकीम के पास लेके जाते हैं। खैर छोड़िए बीरबल जी, सोना किसने चुराया और कहां रखा, इसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि सोना बाहर कैसे निकला। अगर मैं चोर होता तो सोने को बाहर कैसे निकालता? अगर मैं चोर होता तो मैं ये करता। क्योंकि बग्गी के ऊपर हर वक्त चारों तरफ सिपाहियों का पहरा होता है, लेकिन नीचे नहीं। यही एक तरीका था जहां से सोना बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन इसके लिए बग्गी का रुकना बहुत जरूरी। चोर ने लोहा गर्म होते ही हथौड़ा मार दिया। लोहा सिंह हथौड़ा मार के। विराट जी, लोहा सिंह के घर से कोई सुराग मिला? जी बताते हैं अभी। जब हम लोहा सिंह के घर गए तब यहां तो ताला लगा हुआ है। क्या जमाना आ गया, चोर भी अपने घर पे ताला लगाने लग गए। वो लोहा सिंह बार बार एक ही बात को दोहराया करता था। हाँ, वो बोला करता था कि बग्गी को यहां खड़ी कर दो। बस हटा इसे। ये क्या है? कुछ है, कुछ है यहाँ। घर के बाहर सुरंग, ये कहाँ जाती होगी? अरे ये रहा सुरंग का दूसरा हिस्सा। रे, एक कुटिया के आगे और एक एक कुटिया के पीछे, यानी कि सोने के खान। लोहा सिंह जो है बग्गी को ठीक गमले के ऊपर ठहराता था, पहिया ठीक करने के बहाने जाता था,
सुरंग का दरवाजा खोलता था, बग्गी का नीचे वाला दरवाजा खोलता था, सारा सोना जो है सीधा सुरंग के अंदर, उसके बाद जो है पहिया ठीक करके वापस आता था, पहिया लगाता था और नीचे जो है वो सुरंग का दरवाजा बंद करता था, बग्गी का दरवाजा बंद करता था, बग्गी वहां से चली गई और सारा का सारा सोना जो है सुरंग के अंदर, सारा सोना वहां से लेके यहाँ तक, और अब वो लोहा सिंह सारा सोना लेकर यहाँ से भाग गया। नहीं नहीं नहीं, ये मुमकिन ही नहीं हो सकता। क्यों? अरे लोहा सिंह का कहाँ वजन और वो सोने का वजन क्या? मुझे ऐसा लगता है कि लोहा सिंह इतना सोच ही नहीं सकता, लेकिन मुझे ये लगता है कि जरूर उसका किसी ने साथ दिया होगा इस चोरी में। किसने? सोचता हूँ। कौन हो सकता है? हाँ, चोर चोर मुसेरे भाई, उसका साथी था वो काली घाटी का भूत। भूत? क्या बकवास कर रहे तुम विराट? हाँ, ये मुझे अभी रूह ने बताया है कि सोना कहाँ है, लेकिन उसने मुझसे ये कहा है कि तुम्हें चांदी राम को साथ लेकर आना पड़ेगा। क्या अनाप शनाप बक रहे हो भूत रूह? पहले ये बताओ, तुमने अभी तक वो हरा संतरा खाया है क्या? अरे विराट, ये संतरा सेब मौसमी खाने का वक्त नहीं है। और ये तुम्हारी वो रूह ने चांदी राम को क्यों बुलाया? अरे क्योंकि वो चांदी राम को ही बताएगी कि सोना कहाँ रखा है, ऐसा उसने मुझसे कहा है। विराट, सबसे पहले अपने दोस्त अब्बास से कहिए कि लोहा सिंह को ढूंढे, वो किसी भी हालत में हमारे राज्य की सरहद पार न करने पाए। जी, और हम चलते हैं चांदी राम को मिलने। चांदी राम जी। जी, आप तो क्यों आए हो यहाँ? ये विराट पहले भी आया था। बिरबल जी, मेरे को ये मेरे को बहुत परेशान किया मेरे घर के। आप बैठिए ना, बैठिए, कुछ लेंगे। दरअसल बात ये है कि विराट का दिमाग खराब हो गया है और हम उसे आगरा के पागल खाने ले जा रहे हैं। तो जाइए किसी हकीम के पास लेके जाइए, यहाँ क्यों लेके आ गए? वो क्या है कि काली घाटी के चोर के आत्मा ने इससे कहा है कि सोना कहाँ मिलेगा, और आपका चलना बहुत जरूरी है। क्या बकवास है? महमूद, क्या बकवास? क्या महमूद मियां, आपने अभी तक हरा संतरा खाया कि नहीं? ये क्या तुमने हरे संतरे की रट लगा के रखी है? देखो, दोबारा बीरबल जी के सामने मजा किया ना तो हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, बता रहे हम। अरे कभी किसी ने हरा संतरा देखा है क्या? नहीं देखा तो दिखा देते हैं, आप ही दिनों से पड़ा है यहाँ पर। हरा संतरा? हरा संतरा ये किसने उगाया? इसे किसी ने उगाया नहीं, ये पूछो कि इसे बनाया किसने। खाना चाहेंगे आप? लाइए दीजिए, अभी छील के देते हैं। सोने का संतरा, और आपका शाही सोना, और ये है वो काली घाटी का चोर जिसकी आत्मा हमेशा भटकती रहती। असली बसंती रंग नहीं मिला ना, तो इसलिए हरा रंग चढ़ा दिया। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, इतना सारा शाही सोने का सिर्फ एक संतरा? ये बात तो मेरे भी समझ में नहीं है। चांदी राम जी, नहीं, ये शाही सोना है ही नहीं, ये तो मेरा सोना है। अब नाम देखिए, नाम कुछ लिखा हुआ? कोई नाम नहीं लिखा है। आपके इसमें मुझे इतना मिल जाता है क्या बोल रहा हूँ? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया बिरबल जी। चांदी राम जी, ये सोना भी आप ही का है ना? महमूद मियां,
महमूद मियां, महमूद मियां, क्या क्या कर रहे हैं आप? महमूद मियां, ये देखो कुछ भी। बीरबल जी, ये सब पता मुझे नहीं मालूम है। चांदी राम जी, तो आप हैं शाही सोने के चोर। आपको आपकी बाकी की जिंदगी इस सोने के महल में तो नहीं बल्कि काल कोठरी में गुजारनी होगी। चांदी राम ने लोहा सिंह के साथ मिलकर इस चोरी की पूरी योजना बनाई थी। सोना कब, कहां और कितना आता था यह चांदी राम अच्छी तरह से जानता था। बग्गी के दरवाजे से लेकर लोहा सिंह की सुरंग तक इसकी पूरी योजना इस चांदी राम ने बनाई थी। ये तो यहां कई सालों से काम कर रहा था, इसलिए इसे फुर्सत मिल गई थी इस योजना को बनाने के लिए। और इस योजना को इन दोनों ने बहुत ही शातिर तरीके से अंजाम दिया। लोहा सिंह जिसके सर पर कर्जा था, चांदी राम ने उसे भी लालच दे दिया और अपने साथ कर लिया। सारा सोना चुराने के बाद लोहा सिंह ने उस सोने को पिघलाया और इस घर की सारी चीजों में बदल दिया और उस पर रंग कर दिया ताकि किसी को उस पर शक ना। बीरबल जी, आप बिल्कुल सही कहा करते थे, जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। अब इससे बड़ा सबूत और क्या मैं दे सकता हूं आपको? इसीलिए जब हमने असली सोने की जगह नकली सोना रखवाया तो वो चोरी नहीं हुआ। ये चांदी राम सालों से हमारे शाही सोने की हिफाजत करते हैं। असली और नकली की अच्छी परख है इन्हें। क्यों चांदी राम जी? बीरबल जी, हमें माफ कर दीजिए, हम लालच में आ गए, हमें माफ कर दीजिए। आपका दूसरा चोर बीरबल जी, अगर जरा भी देर हो जाती तो ये सरहद पार कर चुका होता और इसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता। और चांदी राम, लोहा सिंह ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने सब बता दिया कि कैसे तुमने उसका कर्ज चुकाने का वादा करके उसे ये सब करवाने में मजबूर किया है। और बीरबल जी, इसके पास भी काफी सोना बरामद हुआ है। सोने के 3 हथौड़े और काफी सोने के औजार जिनपे रंग चढ़ा हुआ है। महमूद मियां, ले जाइए इन्हें और डाल दीजिए काल कोठरी। चलिए हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं, चलिए शाही तहखाने सोने के लिए। विराट जी, एन वक्त पर सारी गुत्थी सुलझाकर तुमने शाही सोने को बचा लिया और अब उस काली घाटी के चोर की आत्मा को भी शांति मिलेगी। उस पर से इल्जाम जो हट गया, मुगलिया सल्तनत आपका शुक्रिया अदा करती है। हमें आप पर नाज है।